ग्रॉस प्रॉफिट रेशो को इस एग्जांपल के थ्रू समझना है। जैसा कि एग्जांपल में दिया हुआ है, टोटल सेल कुल बिक्री 10 लाख, सेल्स रिटर्न विक्रय वापसी 1 लाख, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड बिके हुए माल की लागत 8,20,000। ग्रॉस प्रॉफिट रेशो हमें फाइंड आउट करना है, जिसके फॉर्मूले को हम पहले ही पढ़ चुके हैं, ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन नेट सेल इंटू 100। क्योंकि ग्रॉस प्रॉफिट की गणना परसेंट में की जाती है, इसलिए इसे 100 से मल्टीपल किया जाता है। ग्रॉस प्रॉफिट निकालने के लिए टोटल सेल, जैसा कि हमारे सवाल में दिया हुआ है, टोटल सेल 10 लाख, तो टोटल सेल माइनस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, बिके हुए माल की लागत को कुल बिक्री राशि में से घटाना है 8,20,000। दोनों वैल्यू घटने के बाद हमारी वैल्यू हमें प्राप्त होती है 1,80,000। नेट सेल, शुद्ध बिक्री। टोटल सेल, टोटल सेल कुल बिक्री में से सेल्स रिटर्न विक्रय वापसी को घटाना है। 10 लाख रुपए टोटल सेल माइनस सेल्स रिटर्न 1 लाख, और इस प्रकार 9 लाख रुपए की वैल्यू हमें प्राप्त होती है। 1,80,000 रुपये ग्रॉस प्रॉफिट, 9 लाख रुपए नेट सेल, इसे हम अपने फॉर्मूले में रखेंगे। ग्रॉस प्रॉफिट 1,80,000, नेट सेल 9 लाख, इंटू 100, मल्टीपल करके डिवाइडेशन करने के बाद 20% की राशि हमें प्राप्त होती है, और 20% हमारा ग्रॉस प्रॉफिट रेशो कहलाएगा। ये दो क्वेश्चन आपके पास हैं रिवीजन के लिए, इन्हें भी हमें समझना है जो आपको सोल्व करने हैं। टोटल सेल 50,000, सेल्स रिटर्न 10,000, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड 60% ऑफ टोटल सेल, बिके हुए माल की लागत कुल विक्रय का 60%, ओपनिंग स्टॉक 20,000, क्लोजिंग स्टॉक 10,000। फाइंड आउट करना है ग्रॉस प्रॉफिट रेशो और स्टॉक टर्नओवर रेशो, जो कि हम पहले पढ़ चुके हैं। एक्टिविटी रेशो में स्टॉक टर्नओवर रेशो, उसे भी फाइंड आउट करना है, और ग्रॉस प्रॉफिट रेशो सकल लाभ अनुपात की गणना भी हमें करनी है। इसी क्रम में दूसरा क्वेश्चन है, ओपनिंग स्टॉक 40,000, परचेज 80,000, सेल्स 1,20,000, वेजेज 8,000, परचेज रिटर्न 2,000, सेल्स रिटर्न 10,000, क्लोजिंग स्टॉक 26,000। फाइंड आउट करना है स्टॉक टर्नओवर रेशो, ग्रॉस प्रॉफिट रेशो। स्टॉक टर्नओवर रेशो एक्टिविटी रेशो का पार्ट है, जबकि ग्रॉस प्रॉफिट रेशो प्रॉफिटेबिलिटी रेशो का एक पार्ट है। इस क्वेश्चन की सहायता से हमें दोनों ही वैल्यूओं को फाइंड आउट करना है।